खुश रसूल धारा बहने लगी श्याम। परसों लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आज भगवान कन्हैया झूठ बोलने लगे। राधा कहने लगी श्याम मुझे पता है, मुझे मालूम है तुम लौट करके नहीं आओगे। कन्हैया कहने लगे नहीं राधे, मैं परसों लौट करके तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगा। तो राधा ने रो करके एक बात कही श्याम सुंदर, वहां ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल गोपयर गोपियां गवारी हैं, यहाँ घास फूस की कुटियन को रहनो है, वहां उन अमीरों की महल और वटारी हैं, यहाँ साग पात सौ फुवरियन के हाथ को, वहां सुंदर व्यंजन बनाती सुंदर नारी है, रही ओ बिहारी जहाँ इच्छा हो तुम्हारी, प्रयत्नो याद रहे हम भक्त की भिकारी है। श्याम अगर तुम जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन हमें भूल नहीं जाना। और जैसे ही चले हैं आगे तो यशोदा मैया सामने आ गई, बोली कन्हैया जा रहे हो? थोड़ा के जटल प्रपंचों में मैया को भूल मत की बहुत आदत है खाने की, ये अपने साथ लिए जाओ। कन्हैया अपनी मैया से कहने लगे, हे मैया मैंने तुम्हें बहुत सताया है, हे मैया
दिन रात बेराने ओलाने सहे तो उते कनते ने सुरता धारी हमारी हटे कयाने कसई हटकी कही कही बलराम सभी ग्वालों को साथ लेकर के रथ पर सवार होकर के चले हैं। जब तक रथ के धूल दिखाई देती रही तब तक वृंदावन वाले देखते रहे, और जब धूल भी नजर नहीं आई सोई यशोदा मैया पछाड़ खा के गिर गई। होश आया है, धूल भी नजर नहीं आई, एकदम से मुंह से निकल पड़ा है कि भाजेगा कन्हैया बहुत मुझसे I'm not afraid.